हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल प्रॉपर क्लास में। दोस्तों, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रेलवे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, दरोगा एसआई, कांस्टेबल वनक से या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आप अपना जाँच भी कर पाएंगे और अपनी तैयारी भी कर पाएंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक। आज के इस सेशन में आपका पहला क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित किए जाने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी कौन थे? आपका ऑप्शन ए ध्यानचंद, ऑप्शन बी बलबीर सिंह सीनियर, सी ऑप्शन लेस्ली वाटर क्लाडियस, डी धनराज पिल्ले। आपके सामने चार ऑप्शन हैं। अब वीडियो को रोककर आप कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए और उसके बाद प्ले करें और प्ले करके देखें कि इसका आंसर आपका सही हुआ या गलत हुआ। इस प्रकार से आप अपना सेल्फ टेस्ट भी ले सकते हैं और साथ ही साथ अपना तैयारी भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप कमेंट कर दिए होंगे, इसका आंसर दे दिए होंगे। अब आपके सामने इसका आंसर बताया जाएगा। इसका सही आंसर है बलबीर सिंह सीनियर, ऑप्शन नंबर बी। सभी क्वेश्चन का बारी बारी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आप साथ ही साथ अपना तैयारी भी करना है। इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले पहले हॉकी खिलाड़ी बलबीर सिंह सीनियर थे और भारत का राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो हॉकी है। हॉकी का जादूगर ध्यानचंद को कहा जाता है और राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन दो, निम्नलिखित में से एथेनॉल किससे प्राप्त किया जा सकता है? आपका ए ऑप्शन है चावल, बी सूर्यमुखी, सी गन्ना और डी पेट्रोलियम। आपको वीडियो को रोकना है, कमेंट सेक्शन में जाकर इसका आंसर लिखना है और फिर आपको प्ले करके आपको अपना जवाब देखना है। इसका सही आंसर है गन्ना, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है कि एथेनॉल गन्ना से प्राप्त किया जा सकता है और गन्ना के खोई से बिजली प्राप्त किया जाता है। चावल में थायमिन पाया जाता है। बायोडीजल फरंद, सूर्यमुखी, जेट्रोफा आदि से बायोडीजल निकाला जाता है और बायोडीजल का उपयोग वाहन चलाने में किया जाता है। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है ए एंटोमोलॉजी, बी ऑर्निथोलॉजी, सी बर्डोलॉजी, डी हर्पेटोलॉजी। आपका बी ऑप्शन सही है, ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी में होता है और भारत के पक्षी विज्ञान के सबसे बड़े विशेषज्ञ की बात करें तो डॉक्टर सलीम है और इन्हीं के द्वारा इंडियन बर्ड लिखा गया है। और शिकारी पक्षी की बात करें तो बाज है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी अलाविल है और सबसे ऊंचाई पर उड़ने वाला पक्षी की बात करें तो गिद्ध है। आइए चार नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मोटापे को नापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आप ऑप्शन ए पीएमआई, बी बीएमआई, सी एएमआई, डी केएमआई। आपका सही ऑप्शन है बी बीएमआई। इस प्रश्न संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, मोटापे को नापने के लिए बीएमआई का प्रयोग किया जाता है और बीएमआई का फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स यानी हिंदी में कहें तो शरीर द्रव्यमान सूचकांक होता है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। वर्षा को रेनगेज में मापा जाता है। वायुमंडल दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है और गैस का दाब मैनोमीटर में मापा जाता है। पांच नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए प्लूटो, बी बृहस्पति, सी बुध, डी पृथ्वी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, बुध। इस प्रश्न से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, अगस्त 2006 से पहले हमारे सौरमंडल में कुल 9 ग्रह थे। प्राग सम्मेलन में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया। अब हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह बचे। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह है। बुध सूर्य की एक परिक्रमा सबसे कम समय में 88 दिन में लगाता है और इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 59 दिन का समय लगता है। बुध के पास कोई अपना उपग्रह नहीं है और इसके क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 6, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन ए वोल्ट, बी कूलम्ब, सी केल्विन और डी किलोग्राम। आपका सही आंसर होगा बी कूलम्ब। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, वोल्ट में विभवांतर को मापा जाता है, केल्विन में ताप को, किलोग्राम में द्रव्यमान को, वाट में शक्ति को, एंगस्ट्रॉम में तरंग दैर्ध्य को, पास्कल में दाब को और रेडियन में कोण को मापा जाता है। प्रश्न संख्या 7 में बताना है, भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? ऑप्शन ए है नागार्जुन सागर बांध, बी अलमाटी बांध, सी इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन डी ग्रैंड अनिकुट।
आपका ऑप्शन नंबर डी सही है, ग्रैंड अनिकुट। इस प्रश्न से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। नागार्जुन सागर बांध एवं अलमाटी बांध कृष्ण नदी पर स्थित है और इंदिरा सागर बांध और भाखड़ा नांगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में बना हुआ है और यह बांध महानदी पर स्थित है। एक और बांध है सलमा बांध, अफगानिस्तान में है जो भारत की मदद से बना है। आइए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए लेजर, बी रडार, सी सोनार और डी स्कूबा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, सोनार। इस प्रश्न से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। फैदोमीटर से समुद्र की गहराई की मापा जाता है। पेरियोस्कोप से पानी के अंदर से पानी के बाहरी सतह पर स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए उपयोग किया जाता है। आइए क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9 में बताना है कि स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी लॉर्ड वेवेल, सी लॉर्ड माउंटबेटन और डी राजगोपालाचारी। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, लॉर्ड माउंटबेटन। इस प्रश्न में समय तथ्य है। भारत के स्वतंत्रता के समय भी भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र प्रभार या बिना किसी अतिरिक्त भार के भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी थे। सन 1857 ईस्वी के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। यह इस वीडियो का अंतिम और 10वां क्वेश्चन है। सर्वप्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले कुत्ते का नाम क्या है। ऑप्शन ए स्पुतनिक, बी लाइका, सी जूल्स और डी रोबोटो। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, लाइका। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। रूस ने 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष यान स्पुतनिक 2 में लाइका नाम की एक कुत्ता को अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिशन का उद्देश्य यह जानना था कि अंतरिक्ष में किसी इंसान को भेजना कितना सुरक्षित होगा और वहां की स्थिति कैसी है। दुख की बात यह है कि लाइका धरती पर जीवित वापस नहीं आ सकी। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।